अमित कांत लाल, अमित जी नहीं जुड़े हुए हैं। चलिए कोई बात, मैं दूसरे स्टूडेंट्स को कह देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, वेलकम कर लीजिए भारती सर, आज स्वाति सिंह का वेलकम है। स्वाति का है 10 तारीख, आज अमित दिखा रहा है सर, तो एक क्लास पिछले वीक में नहीं हुआ था, तो आज स्वाति का वेलकम है और वोट ऑफ थैंक्स अनुराधा का है। स्वाति या श्वेता? श्वेता सर। अच्छा श्वेता, हाँ जो भी है, श्वेता और अनुराधा का। अच्छा ठीक है ठीक है, श्वेता जुड़ी है? यस सर। श्वेता आप वेलकम करें सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द 16th डे ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीसली कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम आवर रिसोर्स पर्सन सुधांशु सर। इट इज एन ऑनर and a privilege for us to have you with us today. I also welcome our principal ma'am, teachers, and my friends. I hope this session help us bring out best version of our personality. Once again, I, Shweta Kumari, welcome our resource person, Sudhanshu sir, on the behalf of Priestley College of Education. Thank you. थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच। तो आइए वी लेट अस स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। तो मैं स्ट्रेट अवे आपसे आज स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्ट्रेट अवे हम लोग सेशन को आज शुरू करेंगे। जो एक्टिविटी मैं जो शुरू में करवाता था वो एक्टिविटी आज थोड़ा सा बाद में करवाऊंगा, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, वो शेड्यूल्ड ही आज बाद में है। तो आज का सेशन इस मायने से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि आप देखेंगे कि दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, या आपको ये ध्यान दिलवाएगा या आपको वहां पर फोकस करेगा एग्जैक्टली जो आज तक अभी तक जिसका ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा था जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट part of your personality. When it comes to personality, it is very important part of the personality to know exactly what you want. क्योंकि उसके बाद आप क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, art of public speaking हो गया, या फिर let us talk about, if you talk about even etiquettes, manners, office etiquettes, dressing sense, ये सारी बातें उसके बाद अगर हम करते हैं, जब ये एक जो ground बनना था जिस पर की पर्सनालिटी आधारित रहेगा वो ग्राउंड एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर टुडे, इट इज इन कंप्लीशन मोड टुडे। तो आज आपको थोड़ा सा आपको ये महसूस होगा कि ग्राउंड इज गोइंग टू बी कंप्लीट एंड यू पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली एक्सपीरियंस द थिंग विच वी हैव सो फार बीन डिस्कसिंग। तो आइए पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं जहां से हमने इसको कल छोड़ा था, वहीं से पीपीटी को उठाते हैं। मैंने कल एक असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, लाइक टेक दिस चैलेंज टू इनिशिएट कन्वर्सेशन विद एटलीस्ट 3 न्यू पर्सन एवरी डे एक सप्ताह के लिए, राइट, ट्यूजडे टू ट्यूजडे, ओके, ट्यूजडे मंडे टू मंडे, बेसिकली मंडे टू मंडे ये आपका चलना था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव इवन ट्राइड इट, आप में से कितने लोगों ने ये किया? यदि किया तो प्लीज राइट डाउन डन, अगर नहीं किया तो डू नॉट वरी, जस्ट राइट डाउन नॉट डन। अगर किया है आपने तो प्लीज राइट डाउन डन, चैट बॉक्स में आप लिख देंगे डन, और जिन्होंने नहीं किया है नॉट डन, नॉट डन जरूर लिखेंगे, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। अगर आपने नहीं किया है तो नॉट डन लिखिए, और जिन्होंने किया है वो डन लिखेंगे।
ओके ओके एंड आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन इट. आप सबों से अनुरोध है कि आज जो सेशन हो रहा है इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, हर कोई वह काम करे जो मैं बोलूं या बोलने वाला हूं. ओके अब कोई भी आप में से जिन्होंने नॉट डन लिखा है, कोई भी लाइक इफ यू वांट टू शेयर कि आपने नॉट डन नहीं करने का क्या कारण था. एक तो है कि समय नहीं मिला, दूसरा है कि आपको ये चैलेंज ही थोड़ा सा अटपटा लगा, तीसरा कि ये चैलेंज आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं था, यू कुड नॉट टेक दैट स्टेप. नाउ दीज आर थ्री थिंग्स आई थॉट. ओके वन ऑफ यू हैव रिटेन टाइम इशू. जिन्होंने नॉट डन मेरे ख्याल से सारे लोग नॉट कंफर्टेबल. ओके गुड ठीक है और लोगों से आंसर में नॉट कंफर्टेबल. ठीक है नॉट कंफर्टेबल टाइम इश्यूज. ओके टाइम इश्यूज नॉट कंफर्टेबल. आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू राइट वट एवर हैज बीन योर रीजन. न्यू पर्सन कोई मिला ही नहीं. ओके फाइन. ओके नॉट कंफर्टेबल. चलिए मैं फेल्ट ऑकवर्ड. नाउ दिस इज वन वेरी यूनिक आंसर दैट आई हैव गॉट. थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा. यस नॉट कंफर्टेबल. मोस्ट ऑफ यू वेर नॉट कंफर्टेबल. फ्यू ऑफ यू हैव रिटन टाइम इश्यूज की टाइम नहीं मिल पाया इसलिए नहीं कर पाए. एंड वन ऑफ यू हैव रिटन कि ये बड़ा ऑकवर्ड सा था कि क्या ये तीन नए लोगों से जाकर मिलना, व्हाट इज दिस. नाउ दिस इज समथिंग. मैं आपको एक चीज बता रहा हूं. हैव यू एवर सीन अ चाइल्ड. आपने सब सारे लोगों ने एक बच्चे को देखा. आई एम गोइंग टू प्रूव यू समथिंग. यू विल बी वेरी अमेज्ड. मजा आएगा आपको. आप बच्चे को कभी लिफ्ट में जाते हुए देखेंगे, ही विल स्माइल एट यू. If you give a, he doesn't know you. आपको वो पहचानता नहीं है. He will smile at you. He'll give his reactions to you, right? वो कुछ करेगा. कुछ बच्चे तो बहुत आगे बढ़कर काम करने लगते हैं. They'll start doing certain stuff related to you. आपको मूवी चढ़ा सकते हैं. And they do not know you. अब बच्चा जब होता है, actually ज्यादातर बच्चे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 100% बच्चे ऐसे ही होते हैं. दे विल रिस्पॉन्ड टू यू एक्सेप्ट फ्यू. लाइक ऑब्वियसली देयर आर सम एक्सेप्शंस. दुनिया में हर चीज का एक्सेप्शन है, तो देयर आर एक्सेप्शंस. तो आप देखेंगे बच्चे जो होते हैं आपसे बड़ा कंफर्टेबल रहते हैं. दे डू नॉट नो यू. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे वही बच्चा जब बड़ा होते जाता है, जैसा कि आप सबने अभी चैट बॉक्स में लिखा है और देखा भी है, it was not only one person who has not felt uncomfortable, there were many persons who did not feel comfortable about it talking to strangers. yahi cheez main aapko batana cha raha hu. fear is something what has been taught society ne, family ne, kisi na kisi reason se aapko bataya hai ki dara kaise jata hai, aapko padhaya gaya hai. jo fear ka language hai wo aapko bachpan se padhaya gaya hai. actually you have been conditioned to fear. और यही कारण है कि बच्चे में जो काम आप बड़े आसानी से कर लेते थे. आपको मुझे आज भी याद है, आई वॉज अ किड. मैं अपने नानी घर में था एंड आई वॉज प्रोबेबली समवेयर अराउंड टू इयर्स से थोड़ा सा कम होगा मेरा. मैं बड़ा शैतान बच्चा था. तो व्हाट हैड हैपेंड कि आई क्लाइम्ड ऑन द रूफ. मैं छत पर चला गया और हमारे यहाँ वो बाउंड्री नहीं दिया हुआ था छत का. तो मैं चलता क्रॉल करता हुआ छत के किनारे आ गया. नाउ उस समय के लिए बच्चे जैसे गायब हो जाते हैं तो सबको चिंता होने लगता है, बच्चा कहाँ गया. तो एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर मी. तो कुछ लोग, कोई ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं छत पर चला गया होऊंगा सीढ़ी चढ़कर. तो इट हैपेंड सो कि सारे लोग मुझे खोजने लगे. मेरे नानी घर में काफी लोग थे, तो काफी सारे लोग मुझे खोजने लगे. मेरी माँ को
मेरी माँ मेरे पीछे थी, उनको दिखा कि मैं छत के बिल्कुल एज पर खड़ा हूँ, एंड आई वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू फॉल, एंड आई वॉज रियली वेरी नॉटी. तो नीचे लोग खड़े हो गए, उनको लगा कि गोद पे आ जाएगा, अगर गिरेगा तो चलो गोद पे ले लेंगे, राइट. आज छत पर एज पर आई टेल यू आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल टू गो ऑन द एज एंड जंप ऑफ. कूदने के लिए मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप भी नहीं होगे. बट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई कुड डू दैट. लेकिन आज पूरे 30 साल बाद मुझे ये समझ में आता है, मुझे ये डर समझ में आता है कि अगर मैं छत पर से गिरूंगा तो क्या होगा, राइट. तो दिस हैज बीन, आई हैव बीन कंडीशन टू फियर. मुझे डरना सिखाया गया बाय माय सोसाइटी. सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन. यस सर, मैं बोलना चाह रहा था सर कि जैसे एक बच्चा स्माइल देता है या एक बच्चा रिस्पॉन्ड करता है किसी स्ट्रेंजर को या नॉन पर्सन को, तो सर मैं दूसरे की मानसिकता बता रहा हूँ. जो जिसको वो करता है वो जानता है कि ये छोटा बच्चा है तो वो भी रिस्पॉन्ड करता है. I am coming to that. What you are saying, we are coming to that. Just a minute. मैं समझ गया आप कहाँ पर पहुंचे. Just a minute. Just initiating the talk. मैं अभी शुरुआत ही कर रहा हूँ. Let me end it. मुझे पता है आप कहाँ पर ले गए बात को. आपके दिमाग में क्या बात है मैं समझ गया. I'm sorry. Exactly, I'll reach to that point. Amit ji, I'll reach to that point. होता क्या है कि I was telling about my story. It happened so कि मैं मुझे कोई ना कोई कारण, this is right reason or there may be wrong reasons, हम डरना सीखते हैं. और right reasons भी है, डरना जरूरी भी है, लेकिन डरना आदत बन जाता है, that becomes a problem. जब डरना आदत बन जाए तो वो problem हो जाता है. That is the point. जब हम तीन लोगों से, चलो मैंने सोचा था तीन लोग नहीं, आई गेव यू थ्री पर्सन ना, थ्री न्यू पर्सन. एक किसी को भी आप खोज नहीं पाए. इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि एक व्यक्ति से आप मिलकर उससे बात नहीं कर पाए. इट कैन नॉट हैपन. या अगर आपको ये असाइनमेंट दिया गया, इसका मतलब आपको कुछ एफर्ट लेना था. द एफर्ट वॉज दैट यू वुड हैव गोन आउट ऑफ द हाउस, यू वुड हैव फाउंड आउट अ पर्सन, और कोई ना कोई बहाना, आपको आइडिया सोचना था कि किस तरीके से बात इनिशिएट किया जाए. दवाई के दुकान पर गए तो दवाई खरीद रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, यू कुड इनिशिएट अ टॉक टू द पीपल. उन्हीं के बात को यूज कर आप उनके साथ कन्वर्सेशन यूज स्टार्ट कर सकते थे. यस, देयर इज अ रिस्क है कि अगला सोच सकता है कि व्हाट एन ऑकवर्ड पर्सन, क्या बात कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग टू, ही इज टॉकिंग. तो It was just to initiate the conversation. आपको ये challenge लेना था. That is why it is the challenge ना. Just a minute.
एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि ये पूरी दुनिया ऐसा नहीं कि आपसे बात आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे लोग आपसे बात नहीं करते. देयर आर वेज टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन. यू हैव टू फाइंड आउट द वे. और ये चैलेंज आपको लेना ही है इफ यू वांट कि आपकी जो कंडीशनिंग हुई है डरने की वो कंडीशनिंग आपकी खत्म हो जाए. इट इज वेरी एसेंशियल. आई विल टेल यू आई वाज नेवर कंफर्टेबल इन माय लाइफ टॉकिंग टू पीपल. आई नेवर कंफर्टेबल. मैं आपको बताता हूँ. आई वॉज स्टिल 10th स्टैंडर्ड. मैं 10वीं कक्षा तक आई वॉज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल टॉकिंग टू पीपल. आई वॉज वेरी शाई. 11th एंड 12th में आई वॉज रियली वेरी हेजिटेंट टॉकिंग टू गर्ल्स. तो इट वॉज काइंड ऑफ सच सिचुएशन. और मैं आपको बताता हूँ टूडे आई एम अ पर्सन हु इज एबल टू टॉक विदाउट हेजिटेशन टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल. वेबिनार हुआ है जिसमें हजार हजार लोग थे, उसमें मैंने बातचीत किया. देर हैव बिन नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन राइट नाउ. सारा हेजिटेशन मेरा खत्म हो चुका है. द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को चैलेंज किया. पीपल विल टेल यू यू आर इंट्रोवर्ट सो योर इनहेरेंट नेचर इज कि आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, आप लोगों से मिल नहीं सकते. ओके, दिस इज वन थिंग. बट देन व्हेन इट कम्स टू चैलेंजिंग योर सेल्फ, यू विल हैव टू टेक दिस चैलेंज इफ यू वॉन्ट टू रिमूव योर फियर. क्योंकि डर का एक सिंपल एक्रोनिम मैं आपको बताता हूं. डर का सिंपल एक्रोनिम, इफ यू वॉन्ट टू नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. इट इज डर का डर हो क्या FEAR, फियर, राइट? फियर, F फॉर फॉल्स, E फॉर एविडेंस, A फॉर अपियरिंग, R फॉर रियल. फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल. जब आपको एक झूठ जो आपने क्रिएट कर रखा है, ये सोच रखा है अपने दिमाग में, सोच रखा है भैया इससे हम बात करने जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, यू नो, जो झूठ दिमाग में बना रखा है, एक हवा जो बना रखा है, हाउ कैन आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन. क्या बात करूं मैं बात करूंगा पता नहीं वो क्या सोचेगा ना. ऑल दैट थिंग्स अंटिल यू टॉक. हो सकता है पहली बार आप बात करने जाओगे गलती होगा, दूसरी बार भी गलती हो सकता है, बट आई बेट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स एवरी टाइम सेम मिस्टेक्स. इट विल नॉट हैपन, बिलीव मी, इट विल नॉट हैपन. ये पॉइंट ये है कि आप कैसे देखते हो चीजों को, दैट इज द थिंग. ओके, तो आई थिंक अमित आई हैव क्लियर्ड माई सेल्फ. You have understood what exactly I was trying to say? Yes, sir. Okay, thank you. Let me just share the screen. Just a minute. Okay, I'll just share the screen now.
तो ये जो चैलेंज मैंने आपको दिया है, प्लीज टेक इट सीरियसली, ये थोड़ा सा आपको कुछ करना पड़ेगा. आई रियली वॉन्ट यू टू डू दिस. आपको डिफरेंस दिखेगा ना वंस यू स्टार्ट डूइंग इट. मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंधेरे कमरे में जाना है, जंगल में जाना है, जहां पर आपको अकेले जाना है, कब्रिस्तान में जाना है. आई एम नॉट सेइंग ऑल दैट. आई एम सेइंग जस्ट यू नीड टू टॉक टू अ पर्सन हु इज लाइक यू. एक नए आदमी से आपको बात करनी है. जस्ट यू स्टार्ट. आप तीन लोग, अच्छा, सम ऑफ यू हैव रिटेन नो टाइम. आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड नो टाइम मीन्स वॉट. यू आर टॉकिंग राइट नाउ टू मी ना. You have taken time to take, you have taken your time to talk to me. You have taken taken out some time to talk to me, right? You are attending this session. See, if you want really to change, you have to give time. Please do not come up with this this thing. No, I do not have time. I really feel every one of you have time. Just 2 minutes. 2 minute ka time to sabke paas hai. Because ek aadmi se baat karne mein, initiate karne mein, baat karne mein, आपको एक मिनट लग सकता है. दैट्स इट. इवन 30 seconds आ रहे हैं ना. मैं जो चैलेंज आपको दे रहा हूँ, तीन लोग 30 seconds मीन्स 120 seconds इन अ डे, एंड यू आर सेइंग यू आर नॉट हैविंग टाइम. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. जस्ट यू गिव इट अ ट्राई. आप इस चैलेंज को जरूर लें. आपको अंतर दिखना शुरू होगा, और जब अंतर दिखना शुरू होगा तब आप मेरे को बोलेंगे कि अरे वाकई सर अंतर तो दिख रहा था, वी डिड नॉट नो कि इतना छोटा सा बात या इतना ऑकवर्ड चीज आपने करवाया, लेकिन इसका अंतर दिखा. आई एम टेलिंग यू, आई हैड गोन टू गोवा सम इयर्स बैक, और गोवा में आई मेड एटलीस्ट 10 friends. 10 friends. आई एम एन इंट्रोवर्ट. ओके, आई एम नॉट आउट गोइंग काइंड ऑफ पर्सन, बट आई मेड 10 friends, यू नो, बिकॉज आई वॉज टेकिंग दिस चैलेंज. नो, आई इन गोवा आई मेक सम फ्रेंड्स. Okay, right. I keep challenging some certain things. I challenge to myself. No, I keep doing. क्योंकि फिर मुझे ये महसूस होना शुरू होता है कि I am actually improving. तो अगर आप नहीं करेंगे, it will not happen. थोड़ा magic के लिए ना थोड़ा हाथ उठ भी घुमाना होता है. तो आपको अगर चाहिए कि जादू हो और कुछ अंतर आए, तो आपको थोड़ा सा हाथ भी घुमाना पड़ेगा. Understood? I think I am very clear. I made myself clear to all of you. Please, please, all of you, promise me. You will take this challenge. Please promise me. Write down in chat box. Promise. Sir, I promise you. Please write down in chat box. Sir, I promise you. Yes, okay. Anupam ji, I know that. I have already told you. What you have. You write down right now. Sir, I promise you. I'll take the challenge. I'll try nahi. Amit, this is a wrong word. Try is a negative language. Negative language. Don't do this. I promise you, simple. If I ask you, try raising your hand. Will you be able to raise your hand? Raise karo, aap right hand raise karo. Try karo. If I tell you raise your right hand, so you'll raise your right hand. If you say I'll try to raise my right hand, how will you try? There's no try. Just raise your hand. So raise your hand. Okay, great. So please do that. ओके, लेट मी मूव फर्दर. ये क्विक टिप फिर हमने दिया था आपको, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स, इजंट इट? व्हाट वाज इट? स्पीड अप, टीम अप एंड ऐड फन टू इट. नाउ टुडे 5 characteristics ऑफ ब्रिलियंट पीपल का 3rd characteristic जो है वो है ब्रेन ट्रेनिंग. ऑल ऑफ अस आर नोइंग. Right now you are in B.Ed and all of you are knowing this. Ki there, hum apne brain ko mota moti agar divide kare, it is basically scientifically proven right hemisphere and left hemisphere. So right hemisphere is right hemisphere does creative, imaginative, general, intuitive, conceptual, big picture, heuristic, empathetic, figurative and irregular kind of all activities. It is done by right hemisphere. When it comes to cognitive part मतलब जिसमें brain actually use होता है, that is left, analytical, logical, precise, detail, scientific, तो ये सारी चीजें जो है left part करती हैं. हमारा unfortunately our education has been
अंटिल प्राइमरी सेक्शन को अगर छोड़ दें, दैट इज एलकेजी यूकेजी, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास तक अगर हम छोड़ दें, फोर्थ क्लास के बाद देखेंगे अनफॉर्चुनेटली आवर एजुकेशन सिस्टम हैज बीन सच दैट वी हैव स्टॉप फोकसिंग ऑन राइट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. एंड व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, जो मैं आपको विजुअलाइजेशन की बात जो करता हूँ, व्हाई हैव आई टोल्ड यू टू यूज दैट, जो आंख बंद कीजिए, आप सर्कल सोचिए, ऑल दैट आई वॉज टॉकिंग टू यू राइट, कि सर्कल के बारे में सोचिए, रेक्टेंगल बनाइए. व्हाई वॉज आई डूइंग इट, क्योंकि हमने अपना राइट पार्ट बहुत कम उपयोग करना सीख लिया है, राइट पार्ट हमने बहुत कम उपयोग करना सीखा है. तो व्हाट हैपेंस, एवरी ब्रिलियंट पर्सन दे ट्रेन देयर ब्रेन, बोथ पार्ट ऑफ देयर ब्रेन. क्या क्या करना होगा ट्रेनिंग में, मैंने पहले भी बताया था, आई जस्ट रिपीट इट. व्हाट ब्रिलियंट पीपल डू, दे रीड बुक्स. आपको आश्चर्य होगा कि एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति, ये रिसर्च से पता चला है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन, एवरी रिच पर्सन, दे रीड इन अ मंथ, दे रीड एटलीस्ट फाइव बुक्स. माई गॉड, पांच किताबें पढ़ते हैं. देन लर्न न्यू लैंग्वेज. आई हैव लर्न्ड अ न्यू लैंग्वेज फ्रेंच. लर्न न्यू लैंग्वेज, नए लैंग्वेज को सीखिए. लर्न न्यू स्किल्स. लर्न, द की वर्ड इज लर्न, लर्न समथिंग. देन सॉल्व मैथ्स, ये बात किया था मैंने पहले भी. देन पेंटिंग, डांसिंग, राइटिंग, कुछ सीखिए. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज विजुअलाइज. जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक मैंने आपको बताया हुआ है कि आंख बंद करो, थिंक अबाउट सर्कल, थिंक अबाउट थिंक इन योर ब्रेन अबाउट स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो दैट इज विजुअलाइजेशन, राइट. नाउ फोर्थ करैक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिलियंट पीपल इज रिलैक्स. नाउ दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल आई एम टॉकिंग. अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे कि काम करो, सोचो, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रिलैक्स. यस, देयर इज अ वर्ड and very famous word and very popular among you all, very popular among teaching fraternity, very popular among everyone now. And what is that word? Stress. Hans Seeley coined the term stress. Hans Seeley ने ये word coined किया था stress. और उसने ही बताया था कि he said that without stress there would be no life. अगर stress नहीं हो तो life होगा ही नहीं. So stress is necessary for life to exist, right? Now having said that, stress to hona chahiye, lekin stress ko manage karna bahut important hai. If you do not manage your stress, it will take you here and there, you'll never be focused. To bahut important hai ki aap apne stress ko manage kar paye. Kaise manage kare stress ko? So there are five brain waves. Ye research kiya gaya, scientifically researched, and it was found that brain has five different waves, four different waves basically. Yahan pe five likha gaya, there are four different waves. What are these waves? Beta, alpha, theta, delta. Beta, alpha, theta, delta. Ab ye kab ye waves release hote hain? So it was found when a person is wide awake, then beta brain waves are released. Beta brain wave release hota hai. When alpha brain waves are released, jab thoda sa aap, you are wide awake, now you are relaxing. Just aap let gaye ho, you're not sleeping exactly, but just you are relaxing. That is alpha brain wave. Okay, that means, and then there is something called theta brain wave. When you start just to sleep, जब रात को आप सोने जाते हो ना, then just you start to sleep, that is theta brain wave, then it is released. And then when you go to deep sleep, that is dreamless sleep, that is delta brain waves. Somewhere around 1:30 to 2:30 or 3 o'clock तक delta brain waves normally सारे लोगों का release होता है. Okay?
Now, why am I telling you all this? There is a reason behind it. क्योंकि हम सबों को रिलैक्स करने का टेक्निक नहीं पता है. I'll tell you why am I saying it. Exactly relax, आप एकदम deep dreamless sleep में चले जाइए and then you wake up, then you are relaxed. आपको थोड़ा energetic feel होगा, delta brain wave तो उस समय release हुआ and you have exactly अगर dreamless sleep में चले गए तो फिर you have delta brain waves release. But actually when it comes to relaxing, actual technique of relaxing है कि आप beta और थीटा ब्रेन वेव के बीच में रह पाए. अगर ये स्टेट मेंटेन हो जाए, व्हेन यू स्टार्ट रिलैक्सिंग एंड व्हेन यू स्टार्ट स्लीपिंग, इन दोनों के बीच का एक स्टेज होता है अल्फा थीटा स्टेट. अल्फा थीटा स्टेट, अब ये अल्फा थीटा स्टेट कहां से आएगा? अल्फा थीटा स्टेट विल कम ओनली थ्रू मेडिटेशन. देयर आर वेरियस टेक्निक्स, मेडिटेशन हो गया, यू कैन इवन फाइंड सर्टेन म्यूजिक दैट कैन take you to this alpha theta state. Meditation is best way, you can do it. Okay, once you are in alpha theta state, aur jo bhi aap us samay alpha theta state mein visualize karenge, jo bhi aap imagine karenge, jo bhi aap chahenge, aap dekhenge wo sari cheeze reality mein badalne lagti hain. This is something magic. This I am not telling on my own, ye actually proven fact hai. This is something science has given us. This has been proved by science that alpha theta state जो है वो एक ऐसा state होता है, अगर हम उस state में रहते हैं तो whatever we think in that particular state, whatever we want in that particular state, you'll see that those things will start happening. क्योंकि once you sleep, so what will happen? You'll never be able to think about all those things that you want in your life, right? और जब आप अवेक हैं तो दुनियादारी के चक्कर में आप सारी चीजें भूल जा रहे हो. व्हाट आर योर ड्रीम्स? तो एग्जैक्टली दिस इज ओनली अ स्टेट जहां पर आप ऑलमोस्ट यू आर रिलैक्सिंग एंड ऑलमोस्ट यू आर स्लीपिंग. दोनों स्टेट के बीच, दोनों स्टेट का जो मिक्सचर होता है इसको अल्फा थीटा स्टेट बोलते हैं. वंस यू अटेन दिस स्टेट, मिरेकल्स कैन हैपन, बिलीव मी. नाउ what should you do to attain this alpha theta state? Watching television and mobile phones relaxes you. So aap television dekhiye, mobile phones dekhiye, it will relax you. Is it like that? How many of you feel this? That sir, I am all in agreement with you. Jo aap keh rahe hain bilkul sahi hai ki television aur mobile dekhne se hame relaxation milta hai. How many of you feel that? Do you think so? Those of you think so ki टेलीविजन और मोबाइल देखने से हमको रिलैक्सेशन मिलता है, प्लीज राइट डाउन यस. नो, माय गॉड, वन ऑफ यू हैव रिटन नो. ओके, फाइन. अच्छा, मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन टू यू. 50-50, नाउ 50-50 इज समथिंग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. सुहानी, सी, आई टेल यू, there is something very interesting I'll tell you. Meditation se jo aapko feel aata hai, kya television or mobile phone, how many of you have done meditation? Jo meditation jinhone mere sath imandari se kiya hai, jo itne din se main karwa raha tha, sirf wahi log iska jawab denge. Abhi jo question hai, jitne log meditation kar rahe the, jo meditation ke baad shanti prapt hoti hai, क्या टेलीविजन और मोबाइल फोन से वही शांति प्राप्त होती है आपको, ये बताइए. नो सर, वेरी गुड, नो. तो टेलीविजन एंड मोबाइल फोन इज नॉट रिलैक्सिंग यू. टेलीविजन और मोबाइल फोन नहीं रिलैक्स कर रहा है आपको. इट इज नॉट रिलैक्सिंग यू, प्लीज बिलीव मी, इट इज अ मीथ. थिंक अबाउट इट, इट इज अ मीथ, ये झूठ है. You feel it that you are getting a relaxation. Koi relaxation nahi milta. I'll tell you, you have to get disturbed. Main bata to raha hu, aap disturb hona chahte ho, you start seeing television, you start seeing news, you start seeing new channels. Aap disturb ho jayenge, lagatar aap dekhte rahiye, you'll get disturbed. Lot of utter putter, there are a lot of things. Yes, you can say, sir, main comedy dekhta hu, I feel relaxed.
यस फॉर टाइमिंग, बट हाउ मेनी टाइम्स 20, आप मान लो एक घंटा बैठते हो तो सिर्फ कॉमेडी देखते हो, ऐसा तो नहीं, राइट? आई डू एग्री कि कॉमेडी आपको कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है, बट एवरी टाइम आर यू वॉचिंग कॉमेडी? नाउ यू हैव टू थिंक, इजंट इट? मेडिटेशन, आई विल टेल यू, मेडिटेशन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सम ऑफ यू हैव रिटन इट ऑल्सो, वन ऑफ यू हैव रिटन इट, अनुपम कुमार सिंह, मेडिटेशन इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट. TV is just changing your mood, for changing the mood. Yes, I am not against. Yes, yes, exactly, Anupam. I am not against your this watching television and mobile phone. Dekhiye, but then you have to have control on it. Addiction mein nahi jana hai, because you have to understand, television or mobile phone aapko relax nahi kar sakta. Aapke aankhon pe, aapke muscles pe bahut effect padta hai. You are not knowing it. Aapke dimag par effect padta hai. You are not knowing it. Many things you are not knowing. Actually, all those things are happening, but you are not feeling it. I think I have explained it to you in best possible way. Yes, I have already told, alpha theta state song se bhi aa sakta hai. But you have to exactly find out what are those songs ki alpha theta state mein aapko le jaye. Bilkul sula nahi de, aisa bhi song nahi sunna hai. Aur bilkul jaga de, aisa bhi song nahi sunna hai. Aajkal aise songs hi chalte hain, zyadatar maine dekha hai. या तो लोग पूरे तरीके से जग जाते हैं या तो पूरे तरीके से सो जाते हैं. नाउ यू हैव टू एग्जैक्टली चूज द म्यूजिक एंड सॉन्ग्स दैट विल टेक यू टू दिस अल्फा थीटा स्टेट. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देना है. नाउ आई विल मूव फर्दर, आई जस्ट मूव फर्दर, जस्ट मिनट. नाउ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिलियंट पीपल, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, फियर नॉट टू टेक मैसिव एक्शन. हमेशा सबसे अच्छे का प्रयास करें, सबसे अच्छा पाने का कोशिश करें हर प्रत्येक स्थिति में. आई टेल यू वॉट एग्जैक्टली इज दिस. इफ यू कैनॉट फ्लाई द बेस्ट, रन द बेस्ट. इफ यू कैनॉट रन द बेस्ट, वॉक द बेस्ट. इफ यू कैनॉट वॉक द बेस्ट, क्रॉल द बेस्ट. आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू. आई हैव एक्सप्लेन वॉट एवर इज देयर. जो करक्स, जो कंक्लूजन है यहां पर, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, फियर नॉट टू टेक मैसिव एक्शन, इन्हीं तीन लाइंस में. अगर आप उड़ नहीं सकते तो सबसे अच्छा दौड़ें, अगर दौड़ नहीं सकते, सबसे अच्छा दौड़ नहीं सकते तो सबसे अच्छा चलें, और सबसे अच्छा चल नहीं सकते तो सबसे अच्छा रेंगें. दैट इज लाइफ, बिलीव मी. नाउ द पॉइंट इज, वन ऑफ माई रिलेटिव, नाउ ही इज अ वेरी बिग बिजनेस मैन. What happened, I'll tell you. एक होता है ना, लोगों में एक फियर होता है, अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो उसमें बड़ा फियर होता है कि मैं बड़े ओहदे के व्यक्ति से कैसे बात करूंगा. तो वो फियर उनमें था एक समय. He was narrating his story to me. My maternal, what will you call, मेरे नाना जी हुए. तो मैं आपको बता रहा हूँ what happened exactly. He fought टू हिज फियर. पहले तो उन्होंने अपने डर को समाप्त किया और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा की, व्हाई कांट आई डू इट. अगर मुझे अपना कोई काम करना है और मुझे अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से करना है और सबसे अच्छे तरीके से करने के लिए मुझे उस बड़े ओहदे वाले व्यक्ति से मिलना है, आई विल गो एंड मीट हिम. मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, करियर काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं बच्चों को अक्सर ये बोलता हूँ, सी whatever marks you are getting, suppose you are getting 95%. आजकल नया ट्रेंड भी चला है, बच्चों को अच्छा परसेंटेज भी आता है, हो रहा है. आई हैव सीन इट. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 years, और 12 years में मैंने ये देखा है, आजकल के बच्चों को अच्छा नंबर आया, वॉट दे डू इज आई डू सी ए, और वॉट दे डू सी ए का कोचिंग करते हैं और एक फालतू सा कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं. एंड आई विल टेल यू, मैंने ऐसे बच्चों को कभी सी ए निकालते नहीं देखा है. मैंने ऐसे बच्चों को कभी सीए निकालते नहीं देखा. हाँ, देर आर स्टूडेंट्स जो सबसे अच्छे कॉलेज, आपको सबसे अच्छा मार्क्स आया, 95-98% आया, आप सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, सबसे अच्छे टीचर से पढ़ो, गो फॉर बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, गो फॉर बेस्ट मेंटरिंग. ये कोशिश करना बहुत जरूरी है. आप जिस परिस्थिति में, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बेस्ट, आपके पास मान लो 100 रुपए में जो बेस्ट हो सकता है, गो फॉर इट. अगर आपके पास 50 रुपए है, 50 रुपए में जो बेस्ट हो सकता है,
गो फॉर इट. यस एवरी टाइम देर इज अ रिस्क, एवरी टाइम, बट देन वी हैव टू टेक दिस रिस्क. वी हैव टू टेक दिस रिस्क इफ वी वॉन्ट टू स्ट्राइक फॉर द बेस्ट. हम लोग को वो रिस्क लेने की जरूरत है अगर हम सबसे अच्छा होना चाहते हैं, अगर सबसे अलग होना चाहते हैं. वी हैव टू टेक द रिस्क, क्योंकि अलग बनना सबके बूते की बात होती तो अलग कोई होता ही नहीं ना. दैट इज द पॉइंट. ओके, सो दीज आर सम वर्ड्स फॉर यू. ध्यान से देखते रहिए, इट विल कम टू यू. डू नॉट गिव अप अनलेस यू हैव गिवन इट योर बेस्ट. जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दे देते हैं तब तक आपको गिव अप नहीं करना है, तब तक आपको हार नहीं मानना है. ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देयर इज समथिंग मोर. नाउ फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैड डिस्कस्ड. फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन बता सकता है जो अभी अभी डिस्कस किया है हमने अभी तक के सेशन में जो डिस्कस हुआ है? जल्दी से क्विकली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. आई हैव टू सी हु इज द फर्स्ट पर्सन गिविंग दिस आंसर. Giving this answer, first person who is giving this answer. Five characteristics of brilliant people. Exactly the way I have told you. नहीं, एक साथ लिखना है पल्लवी. This is not characteristics. Characteristics जो मैंने अभी बताया आपको, five characteristics quickly. पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था? अगर याद नहीं आ रहा है उल्टा चलो. पांचवा याद है, अभी पांचवा तुरंत डिस्कस हुआ. उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था? कम ऑन, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. राइट इट डाउन. Yeah, come on, write it down. Make it fast. Yeah, that what is that one more thing? I was telling that almost all of you have answered the question. Now, Suhani has done it in best possible way. I think Suhani was first person answering it. Wonderful, Suhani. I think you need to
पैट ऑन योर बैक, आप अपने आप को पहले शाबाशी दें, यू हैव गिवन द आंसर करेक्टली एंड इन वन गो, बिल्कुल पांच क्वालिटीज जो मैंने बताया आपको बिल्कुल वो बताया आपने. एंड व्हाट आर दोज फाइव क्वालिटीज, व्हाट आर दोज फाइव क्वालिटीज, पॉजिटिव एक्शन, देन यस कम ऑन, पॉजिटिव एक्शन, ब्रेन ट्रेनिंग, रिलैक्स, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, इजंट इट. So these are positive. So apart from all these five steps, ये जो पांच characteristics है, successful people do one more thing. What is that one thing? अब आप answer करो. Anupam, you can answer now. What is one more thing? Hello. चलिए type कीजिए. I'm giving you 1 minute. Let me see most of you answering it. कोशिश करें थोड़ा. Yeah, hello. Okay, nobody is able to tell it. Let me reveal the word. That one thing is there is something more successful people do. What is that one thing more? It is goal setting, obviously. Goal setting. Now the word has come. Let go. ओके सुहानी, लेट गो ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू, रिलैक्स में आ जाएगा वो, ठीक है. नाउ गोल सेटिंग क्या होता है? नाउ गोल सेटिंग, लेट मी प्रोसीड फर्दर. नाउ टाइम टू डू सम वर्क. नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी, होल्ड द पेन इन योर हैंड. नाउ दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू बी डूइंग राइट नाउ. This session will go for another 10 minutes. Okay? तो मैं चाहता हूं ये आप प्रोसेस समझ लें क्या होना है अभी. Time to do some work. Come on. All of you are ready? Now what is the work? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं काम क्या है जो काम करना है. Write down a letter to God. भगवान को एक चिट्ठी लिखनी है आपको. क्या लिखना है? आपका वो 8 areas ऑफ लाइफ जो व्हील ऑफ लाइफ में करवाया था ना, 8 areas ऑफ लाइफ, ओके. तो उसमें एरिया ऑफ कंसर्न निकल कर आया था, है ना. एरिया ऑफ कंसर्न जो निकल के आया था, ऐसे तो 8 एरिया में आपको लिखना है. भगवान को चिट्ठी ये लिखनी है कि 8 एरिया आपके लाइफ का कैसा चाहिए आपको. आपको भगवान से मांगना है, भगवान से वरदान मांगना है सबको. तो 8 एरिया में आपसे भगवान से आपको वरदान मांगना है कि भगवान मेरा जीवन ऐसा हो, मेरा क्लोज फैमिली ऐसा हो, मेरा रिलेशन ऐसा हो, लाइक दैट, ओके. तो भगवान से आपको वरदान मांगना है. यू हैव टू बी ऑनेस्ट, अंडरस्टूड. भगवान से आप वरदान मांग रहे हैं, आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा. नाउ अभी के लिए, राइट नाउ, ये 8 एरिया तो आप बाद में कर लीजिएगा. अभी के लिए फिलहाल यू जस्ट फोकस अपॉन एरिया ऑफ योर कंसर्न. वो एरिया ऑफ कंसर्न जो व्हील ऑफ लाइफ से निकल कर आया था ना, जिसमें 5 नंबर से आपने अपने आप को कम दिया था, 5 या 5 से कम दिया था, वो आपका एरिया ऑफ कंसर्न था. उस एरिया ऑफ कंसर्न को सिर्फ हम लोग अभी फोकस करेंगे, ठीक है. सिर्फ उस एरिया ऑफ कंसर्न को हम लोग फोकस करेंगे. हो सकता है किसी का मनी एरिया ऑफ कंसर्न आ गया होगा, हो सकता है किसी का मनी और क्लोज फैमिली आ गया होगा, हो सकता है किसी का विजन आ गया होगा, राइट. तो आपका जो भी एरिया ऑफ कंसर्न आया है उस पर सिर्फ आपको फोकस करना है. अब आपको फोकस क्या करना है? यू हैव टू राइट डाउन एग्जैक्टली टू द गॉड, लेटर टू गॉड. आपको एक्सप्रेस करना है गॉड को कि क्या ऐसा क्या होता उस एरिया ऑफ कंसर्न में
कि आप अपने आप को 10 में 10 नंबर देते। मेरा सवाल आपको क्लियर हो गया? आई सपोज आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड? यस, ओके ओके फाइन। सो राइट डाउन एग्जैक्टली टू द गॉड हाउ आर यू विलिंग those areas of life to be, for those areas to be exactly perfect. वो area of concern आपका perfect होता तो कैसे होता, उसमें क्या कमी रह गई, वो आपको निकालना है। और जिन्होंने जिन्होंने wheel of life complete किया था उन्हीं का ये हो पाएगा। ये session आगे आगे उन्हीं के लिए है। 5-10 मिनट का और session जो है ये उन्हीं के लिए जिन्होंने area of wheel of life पर काम किया था। okay? तो अगर आपने व्हील ऑफ लाइफ कंप्लीट नहीं किया था या वो सेशन किसी वजह से मिस कर दिया था तो आपको व्हील ऑफ लाइफ वाला सेशन आपकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मौजूद है, आप वहां से देखें और उसको करें। ओके, नाउ प्लीज स्टार्ट राइटिंग लेटर टू द गॉड। अब भगवान को कैसे आप लिखेंगे लेटर? हिंदी में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, फ्रेंच में लिखना है, जर्मन में लिखना है, इट इज अपॉन यू। भगवान को कैसे आप नमस्कार प्रणाम जो करना है जैसे करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एड्रेस टू योर गॉड, बिकॉज डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट गॉड्स, राइट? तो वॉट एवर वे यू कैन टॉक टू योर गॉड, डू इट। एंड गिविंग यू 3 मिनट्स, एग्जैक्ट 3 मिनट्स। Yeah, 1.5 minute left. Another 1.5 minute left. Please complete it. हाँ, जिनका area of concern जो है 3 या 4 आ गया है उनके लिए थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ 2 ही area अभी focus करें, बाकी areas आप बाद में focus कर सकते हैं।
ओके लास्ट 30 सेकेंड्स, जिनका कंप्लीट हो गया है प्लीज राइट डाउन कंप्लीटेड. या डन एनीथिंग एज यू विश टू राइट. ओके टाइम्स अप कंप्लीटेड एवरीवन. चलिए लेट मी प्रोसीड फर्दर नाउ. हैविंग रिटन अ लेटर टू द गॉड एज टू व्हाट वुड बी हाउ डू यू लाइक योर एरिया ऑफ कंसर्न टू बी एग्जैक्ट इन परफेक्ट पिक्चर. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग गोल सेटिंग. अभी तक कई लोगों को यही पता होगा गोल सेटिंग इज ऑल अबाउट स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, ट्रैकेबल, राइट. तो स्मार्ट गोल, हम लोग गोल सेटिंग यही जानते हैं. प्लीज लेट मी एक्सप्लेन टू यू, गोल सेटिंग इज नॉट जस्ट स्मार्ट गोल्स. यस स्मार्ट गोल इज देयर, मैं बोलूंगा स्मार्ट गोल होना चाहिए, बट देन व्हेन इट कम्स टू सेटिंग योर लाइफ्स गोल स्मार्ट गोल्स वॉन्ट वर्क. अगर जीवन में आप पायलट बनना चाहते हैं, आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, हाउ स्मार्ट गोल्स कैन हेल्प यू आउट विद दैट. अगर विजन सेट करना है, आपको लाइफ का गोल सेट करना है, देर इज समथिंग एल्स. देर द फॉर्मूला इज 3 P's. वाओ, व्हाट आर दिस 3 P's? नाउ विल टॉक अबाउट दैट. गोल शुड बी पर्सनल, पहला पी पर्सनल है. गोल शुड बी पॉजिटिव, दिस इज सेकेंड पी. एंड गोल शुड बी प्रेजेंट, गोल शुड बी इन प्रेजेंट, वर्तमान में. गोल ऐसे लगना चाहिए कि अभी वर्तमान में हासिल हो गया. Okay, now goal should be positive. Now let me tell you, if your goal statement, जो भी आप goal statement लिखते हो, you have to take care कि वो goal statement आपका positive होना चाहिए. It should not give right, जैसे मैं मेरा कर्ज अगले साल पूरे तरीके से चुकता हो जाएगा. Now this is a negative thing you are saying it to self. ये बात द सीक्रेट वाला जो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया था उसमें भी आपको बताया था कि किस तरीके से हम निगेटिव चीजें मांगने लग जाते हैं, निगेटिव चीजें सोचने लग जाते हैं. मुझे पतला होना है, मुझे मोटा, मैं बहुत ही मोटा हूं, मुझे पतला होना है. नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली रिमाइंडिंग, आप अपने आप को मैसेज दे रहे हो कि वर्तमान में आप मोटे हो और आप मोटे हो और आप मोटे हो. तो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली, दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. गोल मस्ट बी पर्सनल. व्हेन आई से गोल मस्ट बी पर्सनल, मतलब व्हाट इज इन इट फॉर मी. देयर इज अ चैनल WIIFM, हमें वो चैनल हमें अपना चालू करना होगा. वो क्या चैनल है? WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है. जो भी गोल सेट किया उसमें आपके लिए क्या है. जब तक गोल को आप पर्सनल नहीं बनाओगे, जब तक गोल आपके लिए पर्सनली मोटिवेटिंग नहीं होगा, आपके पापा चाहते हैं आपको ये बनना चाहिए, आपके मम्मी चाहती हैं आपको ऐसा बनना चाहिए, लाइक वी व्हेन वी टॉक अबाउट आवर चिल्ड्रन, तो वी टॉक लाइक दिस ओनली. कोई आपके लिए कुछ चाहता है इसलिए आपको वो होना चाहिए, देन इट इज नॉट गोइंग टू ड्राइव यू. रियल ड्राइव, रियल मोटिवेशन तो तब आता है जब आपको गोल आपका पर्सनल हो. That means I want to become an IAS officer. But the important question is, why do you want to become an IAS officer? What difference is it going to create? What difference is it going to create for you? ये क्या difference आपके लिए create करने वाला है? आपके life में क्या create करेगा? How is your life going to be different when you become an IAS officer? जब ये question why पूछते हैं आप, कुछ बनना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, जब ये question पूछते हैं अपने आप से, why, then you have to get an answer. What difference is it going to create for you? ये क्या difference आपके जीवन में क्या difference लाने वाला है? तो goal has to be personal. Then third thing is goal must be in present. Like I'll lose 5 kg of weight.
I am going to be an IAS officer in next 3 years. One day I am going to have a house like that. Do you think all these statements are in present tense? क्या ये सारे statement present tense में हैं? I think not. These statements are not in present tense. तो हमारा ये goal statement गलत लिखा गया. क्या होना चाहिए हमारा goal statement? क्या होना चाहिए? I am slimmer now. Wow. I am an IAS officer. I am having that beautiful house. One day I am going to have a beautiful house. तो ये future हो गया ना? I am having that beautiful house. तो goal statement ऐसा होना है आपका. ठीक है? अब भगवान भगवान तो भगवान होते हैं. आप उनको जब भी ये language में बात करोगे, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे एक दिन ये चीज चाहिए. तो जब आप भगवान को ये बोलने लग जाते हो मुझे ये चीज चाहिए, भगवान मतलब ये ब्रह्मांड को, आप ये ऑर्डर देना शुरू करते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, एक दिन मुझे ये चीज चाहिए, तो वो एक दिन बेसिकली हर मोमेंट जब भी आप उसके बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को ये इंफॉर्मेशन आप देते हो लगातार लगातार, ये इंफॉर्मेशन देते हो, ये कह देते हो कि आई एम गोइंग टू हैव इट इन फ्यूचर, और वो फ्यूचर फिर कभी नहीं आ पाता है. राइट? तो यहां पर हमें थोड़ा सा चेंज लाना है. आई विल गिव यू अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर नोइंग दिस पर्सन. पता है ये कौन है? यस, एनीवन कैन टेल मी हु इज इट? Who is this person? Can anyone tell me? You can unmute yourself and tell me. Okay, let me tell you. He is Muhammad Ali, one of the greatest boxer of all the times. Muhammad Ali. Now, Muhammad Ali, jo the, whenever he had a fight, वो मोहम्मद अली आज तक एक भी फाइट हारे नहीं थे, एक्सेप्ट वन विच वॉज हिज लास्ट फाइट ऑफ हिज टाइम. सिर्फ एक फाइट हारे थे. नाउ मोहम्मद अली के बारे में क्या है, और वो भी उनका लास्ट, ही हैड ग्रोन ओल्ड एंड ही लॉस्ट इट. तो इनके बारे में एक चीज थी कि ही नेवर लॉस्ट अ फाइट. व्हाई ही नेवर लॉस्ट अ फाइट, आई विल टेल यू. व्हेनेवर ही वाज टू गो टू अ बाउट, जहां पे लड़ाई करना है उस बाउट में जब उनको जाना था, तो जिस अपोनेंट से उनको लड़ाई होती है, जिस अपोनेंट से उनको लड़ाई करना था, ही यूज्ड टू प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता था उसमें उस अपोनेंट को वो देखकर बोलते थे, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, एंड आई एम गोइंग टू टेक यू डाउन इन दिस पर्टिकुलर राउंड, आई एम गोइंग टू टेक यू डाउन इन थर्ड राउंड, आई एम गोइंग टू टेक यू डाउन इन फोर्थ राउंड. ही यूज्ड टू टेल हिम स्ट्रेट अवे, थिंक ऑफ दैट कॉन्फिडेंस मैन. वो कॉन्फिडेंस के बारे में आप सोचिए कि ये बंदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ये बोलता था कि मैं अपने अपोनेंट को बोलता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं तुम्हें सेकेंड राउंड में चित कर दूंगा, और एक्चुअली ही वॉज डूइंग इट. एंड दिस इज अ रियल स्टोरी, गो एंड फाइंड आउट. ही वॉज डूइंग इट. जो वो कहते थे वो कर देते थे. बोलते सेकेंड राउंड में गिरा दूंगा, सेकेंड राउंड में बंदा गिर जाता था. फोर्थ राउंड में गिरा देंगे, फोर्थ राउंड में बंदे को गिरा देते थे वो. ही वॉज अ काइंड ऑफ सच कन्विक्शन ही हैड इन हिमसेल्फ. ही यूज्ड टू बिलीव आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन. आई एम नॉट सेइंग दीज आर फ्लाइंग वर्ड्स, फ्लावरी वर्ड्स. ही हैड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड वाई ही हैड दिस कॉन्फिडेंस, द वेरी सिंपल रीजन, द वेरी सिंपल रीजन. The reason is he used to visualize अपने opponent को वो गिरते हुए तीसरे राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, जब भी वो बोलते थे वो गिरते हुए अपने opponent को देखते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है. And not only this, मोहम्मद अली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने opponent को ये बोलते थे कि मैं तुम्हें I am the greatest, I am the champion, I am going to take you down in this particular round.
बस ये काम नहीं करते थे, ये बोलकर वो चले नहीं जाते थे. व्हाट ही यूज्ड टू बी डूइंग, ही यूज्ड टू गो बैक टू हिज होम और ही यूज्ड टू रिलैक्स, विजुअलाइज एग्जैक्टली दिस. ये पिक्चर वो माइंड में विजुअलाइज करते थे. वो विजुअलाइज करते थे कि मैच चल रहा है, पहला राउंड खत्म हुआ, दूसरा राउंड खत्म हुआ, तीसरा राउंड में उसको मैंने हरा दिया है. ही यूज्ड टू विजुअलाइज पीपल अराउंड क्लैपिंग हिम, क्लैपिंग फॉर हिम, people calling out names, Ali, 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 used to visualize this. And not only this, man, he actually lived every moment. वो हर एक moment इसी तरीके से जी, वो खाते थे तो वो जीत खाते थे. He used to sleep with that thought. He used to bath with that thought. वो जब भी कोई काम करते थे, he used to have that picture in his mind, that big picture in his mind. He is winning. और उनको ये फील करते थे, used to feel it. Because if there was no feel, then it would have been no way a good process. तब ये काम उनके लिए नहीं करता. Now the key word here is visualize and feel. Visualize and feel. सिर्फ visualize नहीं करना, आपको feel भी करना है. तो जो भी आप जीवन में चाहते हैं उसको visualize कीजिए, उसको feeling के साथ visualize कीजिए. एक बार मैंने एक्सरसाइज करवाया था, मैंने बोला था कि आपको आइसक्रीम आप खा रहे हो, ये फील करना है, आपको विजुअलाइज करना है, राइट. नाउ द पॉइंट इज, एरिया ऑफ कंसर्न आपने लिख लिया है, भगवान को लेटर लिख लिया है, राइट योर विजुअलाइजेशन डाउन. अब आपको क्या करना है, आपको अपना विजुअलाइजेशन लिखना है. क्यों लिखना है, इट हेल्प यू टू स्टे ऑन ट्रैक एंड कीप योर माइंड फोकस्ड. वही फोकस जो अर्जुन का चिड़िया के आंख पे लगा था, वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है. सपोज देर इज करियर गोल, रन माई ओन बिजनेस. जैसे मैं अपना बिजनेस रन करना चाहता हूँ, तो आई सी माई, हाउ डू आई सी माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ एज द बॉस. आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, आई एम अर्निंग एक्स अमाउंट पर मंथ, आई लुक फॉरवर्ड टू एवरी सेल्स कॉल एज आई नो आई हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, आई एम हेल्पिंग अदर्स. ये विजुअलाइजेशन आपको अपने जो भी आपने एरिया ऑफ कंसर्न आपका है, जैसे आपका करियर एरिया ऑफ कंसर्न है तो उसमें जैसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं. आपका अपना लिखने का तरीका होगा, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो. एंड इनफैक्ट यू हैव टू राइट विथ फीलिंग, आपको फीलिंग के साथ लिखना है. हाउ आर यू गोइंग टू फील इट, हाउ आर यू गोइंग टू फील इट. सो इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू फील. राइट डाउन द इमोशंस you would feel if you had already achieved them. जो आप सोच रहे हो, जो चीज चाहते हो अपने जीवन में, वो अगर आपको प्राप्त हो जाए तो आपको कैसा फील होगा, तो इमोशंस कैसा आएगा. आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर टेकिंग द प्लंज, आई फील अमेजिंग टू बी माई ओन बॉस, आई फील सुप्रीमली कॉन्फिडेंट एंड डेस्टिंड फॉर सक्सेस, आई एम वेल्दी विथ नो मनी कंसर्न एंड फील रिच, आई एम हैप्पी and feel awesome, right? तो ये काम आपको अपने area of concern के साथ करना है, right? Okay? तो ये area of concern आपने identify कर लिया है, और ये आपको क्या करना है, अपना visualization लिखना है कि exactly वो area of concern exactly कैसा आपका visual end goal कैसा होगा, और ऐसा महसूस करना है कि वो अभी आपने अचीव कर लिया है तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा है. तो इसका पूरा डिटेलिंग आपको लिखनी है, और उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू विजुअलाइज. क्या करना है आपको, रिलैक्स फर्स्ट, वही काम है. ऑल दैट मैटर इज दैट यू आर रिलैक्स, योर हार्ट रेट इज लोअर्ड एंड योर ब्रेन एक्टिविटी हैज ड्रॉप्ड अ बिट. ओके, नाउ टाइम इज नॉट परमिटिंग अस, आई नो दैट टाइम इज मूविंग अहेड, इसलिए मैं ये सेशन अभी यहाँ पर रोकूंगा. लेकिन बिफोर आई एंड दिस सेशन, अगेन आई विल रिमाइंड यू ऑफ द असाइनमेंट फॉर द डे. असाइनमेंट आपका है, टेक दिस चैलेंज टू टॉक टू एनी न्यू पर्सन पर डे. जिनके लिए तीन भी ज्यादा है वो कम से कम एक व्यक्ति से स्टार्ट करें कन्वर्स करना. दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट. सेकेंड असाइनमेंट, जो आपने अपने लिए गोल निर्धारित किया है, राइट, तो उसका विजुअलाइजेशन आपको, विजुअलाइजेशन वाला एक्सपेक्ट लिखना है. ओके, विल सी इट टुमारो ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट.
तो ये आइडियाज मैंने आपको जो दिया, जो बताया, आई थिंक शुड बी एनफ टू मोटिवेट यू. फाइन. That's it for the day. Thank you, everyone. Thank you, Sudhanshu ji. Now I would like to call Anuradha for today's vote of thanks. Yes, sir. Respected Sudhanshu sir, all the professors and my dear colleagues, good evening, everyone. Finally, I would like to take this good time to place on record our hearty thanks to Mr. Sudhanshu sir for the webinar on personality development, focusing on how to enhance our personality. An event like this cannot happen overnight. The wheels of this webinar started rolling days ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be motivated by you, and I can assure you it will be result oriented. Your words of encouragement and guidance are really grateful. Lastly, I thank all the professors and my friends for their cooperation in making this session a vibrant success. Finally, I leave you all by this inspiring quote: no duty is more urgent than that of returning thanks. Once again, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you, Anuradha. And one more thing, just one last sentence from me. If anyone is willing to write something, an open feedback to me, main apna ईमेल आईडी मैंने आपके चैट बॉक्स में पोस्ट कर दिया है. आप अगर ओपन फीडबैक या कुछ और मुझसे बात करना चाहते हैं या चर्चा करना चाहते हैं, यू कैन राइट टू मी ऑन दिस ईमेल आईडी sudhanshu.kumar@gmail.com. थैंक यू. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू अनुराधा. थैंक यू. सरोज जी मीटिंग एंड कर दीजिए.